यीशु के अजीम और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रहना फरख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत पर कैसे फतह पा सकते हैं। आज हम पुरानी इंसानियत के ख्यालात और कामों को पहचान सकेंगे और खुदावन की मदद से उनका मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। लास्ट टाइम हमने खुदा के फर्जंदों के एक दुश्मन शैतान के बारे में बात की, आज हम दूसरे दुश्मन उनकी पुरानी इंसानियत के बारे में बात करेंगे। ये दुश्मन आपके अंदर ही होता है और ये आपकी जिस्मानी पैदाइश के साथ ही इंसान के साथ इस दुनिया में आता है और बाइबल मुकद्दस में इसे पुरानी इंसानियत का नाम दिया गया है। पौलुस रसूल कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ उसे तो नहीं कर पाता, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वह मुझसे सरजद हो जाती है। हम मसीहियों की जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है कि हमसे बदी सरजद हो जाती है। चूंकि अब हम खुदा के फर्जंद हैं तो हम में दो किस्म की इंसानियत मौजूद है। पहले है जो हमारी पुरानी इंसानियत है, जो हम इस दुनिया में आते हैं तो जब हम पैदा होते हैं तो इस वक्त हमारी जिस्मानी पैदाइश के साथ हमारी पुरानी इंसानियत इस दुनिया में आती है। जैसे कि मेरी जिस्मानी पैदाइश के वक्त मेरी पुरानी इंसानियत मेरे साथ है, लेकिन जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम नए सिरे से पैदा होते हैं, और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम नई इंसानियत हम में शामिल हो जाती है। हालांकि एक नए मसीही ने नई इंसानियत हासिल कर ली है, लेकिन उसकी जो पुरानी इंसानियत है उस दुनिया में रहते हुए हमेशा उसके साथ साथ रहती है। जब आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो आप नई इंसानियत शामिल हो गई है। इफिसियों 4:22 में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की और इस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शहतूत के सबब से खराब होती जाती है। आपकी पुरानी इंसानियत की हमेशा कोशिश होती है कि वो आपको गुनाह की तरफ लेकर जाए, और वो आपकी पुरानी इंसानियत चाहती है कि वो आपसे आपकी मर्जी का अपनी मर्जी का काम करवाए, लेकिन आपकी नई इंसानियत की हमेशा कोशिश होती है कि आप वो काम करें जिनसे खुदा खुश होता है। एक मसीह की जो नई इंसानियत है वो हमेशा खुदा को खुश करने की कोशिश करती है, और नई इंसानियत जो इंसान में ये ख्वाहिश पैदा करती है कि वो खुदा को खुश करे। हमारे अंदर जो नई इंसानियत और पुरानी इंसानियत है इसकी हमेशा सारी जिंदगी ही इसकी कश्मकश हमारे अंदर जो है वो जारी रहती है। जो हमारी नई इंसानियत है वो पुरानी इंसानियत से ज़्यादा ताकतवर है, और हम कोशिश करें तो हमारी जो नई इंसानियत है वो पुरानी इंसानियत पर गालिब आ सकती है, उसे शिकस्त हो सकती है। और हमें यकीन है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, नई इंसानियत में शामिल होते हैं, तो हमारी जो पुरानी इंसानियत है उसको बिलाकर शिकस्त ज़रूर होगी। और ये जो हमारी नई इंसानियत है इसमें जब हम शामिल हो जाते हैं तो ये जिंदगी जो है हमारी नई जिंदगी है ये सिर्फ और सिर्फ मसीह की जिंदगी है। हमारी पुरानी इंसानियत के बरक्स हमारी नई इंसानियत जो है हमें अच्छे काम और खुदा की तरफ लेकर जाती है। हमारी जो नई इंसानियत है दरअसल हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिली है, और ये हमारी नई जिंदगी की सुबह है। नई जिंदगी मसीह की तरफ से मिली है, और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मतलब शामिल होने का या उसको हमारी जिंदगी में आने की दावत देते हैं तो खुदावंद हमारा जो हमें जिंदगी अता की है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने का मौका दें और उसको अपनी जिंदगियां दें ताकि वो उसने जो हमें जिंदगी अता की है हम उस जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। खुदा हमारी जो पुरानी इंसानियत है हमारी गुनाह आलूदा जिंदगी है उस पर हमारी जो नई इंसानियत है वो गालिब आ सके। हम गुनाह में गिरे हुए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को मौका दे कि वो हमारी जिंदगी में आए और हमारी पुरानी इंसानियत पर गालिब आए। मिसाल के तौर पर अगर आप गुस्से के तेज हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप में सब्र आ जाए तो आप याद रखें कि जब आप खुदावंद खुदा से मदद मांगेंगे कि खुदावंद खुदा मुझे सब्र करना सिखा तो वही हमारे अंदर जो हमारा जिंदा खुदा है जिसने हमें ये नई इंसानियत दी है जो हमारे अंदर रहता है वो सब्र करने वाला खुदा है, और ये यकीन करें कि वो आपको सब्र अता करेगा। अगर किसी शख्स के लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं है तो आपका खुदावंद जो है उससे मोहब्बत करता है, तो आप अपने खुदावंद से दुआ करें कि इस शख्स के लिए
मेरे दिल में मोहब्बत डाल, तो खुदावन खुदा आपके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत को जाहिर कर देगा, क्योंकि हमारा जो खुदावन खुदा है वो मोहब्बत करने वाला खुदा है। जिस तरह पौलुस रसूल कह रहा है कि मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मुझ में मसीह जिंदा रहा। अब हमारी जिंदगियां जो हैं मसीह की हैं, हमारी जिंदगियों में मसीह की मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। और वो कुछ लोगों को खुद पर भरोसा होता है और वो मतलब मसीह, कुछ लोगों को खुद पर भरोसा होता है, कुछ लोग जो हैं वो मसीह पर भरोसा करते हैं। एक औरत है जो बहुत परेशान है और वो दुआ करती है और कहती है कि खुदावन्द खुदा मुझे इत्मीनान अता कर। और उसी तरफ एक शख्स है जो कहता है कि मैं बहुत रूहानी हूँ और मैं अपनी आजमाइशों का मुकाबला खुद कर सकता हूँ। इसमें हमें जो एक जो औरत है इसमें हमें नई इंसानियत नज़र आ रही है, क्योंकि वो खुदावंद खुदा पर भरोसा करती है और हमारी नई इंसानियत जो है हमें खुदावंद खुदा पर भरोसा करना सिखाती है। और वो हमें ये नहीं सिखाती कि मतलब हम अपनी मर्जी के काम करें। हमारी जो जिस्मानी ज़िंदगी है इसमें आखिर तक जो हमारी पुरानी इंसानियत है वो हमारे साथ रहती है। किसी ने एक बूढ़े किसान से पूछा कि आपकी जो पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत के दरमियान जो कश्मकश है वो इनको अपने अल्फाज में बयान करें, तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो है एक दो बिल्लियों की लड़ाई रहती है, मतलब एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली। काली बिल्ली पुरानी इंसानियत और सफ़ेद बिल्ली नई इंसानियत है। और उसने किसी ने किसान से पूछा कि मतलब इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में कौन सी बिल्ली जो है ना वो आखिरकार जीतती है, तो उसने कहा कि जिस को हम ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं वो बिल्ली जीती है। उसने मतलब वो एक सादा शख्स था, उसने मतलब एक बहुत रूहानी बात की कि हम जो अपनी पुरानी इंसानियत को अगर ज़्यादा खिलाए पिलाएंगे तो वो ज़्यादा जीतेगी, अगर हम नई इंसानियत को खिलाए पिलाएंगे तो वो पुरानी इंसानियत पर गालिब आ जाएगी। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में पुरानी या नई इंसानियत को खिला पिला सकते हैं, पुरानी या नई इंसानियत की जगह हम नई इंसानियत को खिला पिला सकते हैं, तो हमारी जो नई इंसानियत है वो ज़्यादा खाए पिएगी और वो हमें खुदावन्द खुदा की तरफ लेकर जाएगी, हमारी पुरानी इंसानियत पर गालिब आएगी। इसी तरह हमें अगर हमने पुरानी इंसानियत को शिकस्त देनी है तो हमें अपनी काली बिल्ली को बुका रखना होगा और सफ़ेद बिल्ली को ज़्यादा खिलाना पिलाना होगा, ताकि हमारी जो पुरानी इंसानियत नई इंसानियत है वो पुरानी इंसानियत पर गालिब आ सके। इसी तरह याद रखें कि हम जब पुरानी इंसानियत जो हमारी नई इंसानियत पर गालिब आती है तो हमें इसके लिए खुदावन खुदा हमें कुव्वत अता करता है, वो अपनी हमें हिम्मत और ताकत देता है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत का अपनी गुनाह आलूदा ज़िंदगी को छोड़ सकें और अपनी पुरानी इंसानियत का मुकाबला करके नए सिरे से पैदा हो सके और खुदावन खुदा के हुक्मों पर अमल कर सकें। इसी तरह एक शख्स है वो शुगर का मरीज़ है और वो डॉक्टर के पास जाता है कि मतलब उसे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। डॉक्टर उसे तमाम मीठी चीज़ें खाने से मना करता है, लेकिन वो डॉक्टर की बात करने बात पर अमल नहीं करता और वो मीठा ज़्यादा से ज़्यादा खाता है। और वो खुदा उसके डॉक्टर के साथ तामन करने की बजाय वो मीठी चीज़ें ज़्यादा खाता है। अब आप खुद सोचें कि जब डॉक्टर ने उसको मना किया है मीठी चीज़ें खाने से और वो डॉक्टर की बात मानने की बजाय अपनी मर्जी करता है, तो इसमें किसका कसूर है? उसका अपना ना। इसी तरह हमारा खुदावंद खुदा जो है वो हमारी रूहों का डॉक्टर है और वो हमें गुनाह से, बुराई से और बदी से दूर रहने के लिए रहने का कहता है, वो हमें हमेशा बुराई से दूर रखना चाहता है। लेकिन अगर हम गुनाह की तरफ जाते हैं तो वो हमारी अपनी गलती है। खुदावंद खुदा जानता है कि हमें किन चीज़ों को अपनाना चाहिए और किन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारा रूहानी डॉक्टर है। और हमें चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करें, उसकी बातों को उसकी बातों पर गौर करें, क्योंकि हमें उन बातों पर उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए और हमें उसकी बताई हुई बातों को अपनाना चाहिए। जिनसे उसने मना किया है उनको हमें छोड़ना चाहिए और मना होना चाहिए। हमें खुदावंद खुदा पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और वो हमें उसी पर हमें यकीन होना चाहिए, ताकि खुदावंद खुदा से हमें हमेशा कुव्वत मांगनी चाहिए कि वो हमारी पुरानी इंसानियत को छोड़ने की हमें कुव्वत अता करे। और आप दुआ करें और खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें जिसने आपको नई इंसानियत अता की है। इससे दरख्वास्त करें कि वो आपकी पुरानी इंसानियत पर गालिब आने में आपकी मदद करे और
आपको अपने पाक रूह से हमेशा मामूर करे। खुदावंद आप सबको ऐसा करने का फजल बख्शे और अपने कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।